सो गाइज, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को चूतिया बनाने वाला हूँ, तो मैं पहले ही बता दूँ कि मैं बीजेपी से नहीं हूँ. ओके, सो अगर मैंने आपको पहले ही ऑफेंड कर दिया और आपने वीडियो डिसलाइक कर दिया, तो वीडियो की तरफ चलते हैं. और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक देखने के बाद मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस डिसलाइक को लाइक में ज़रूर बदल देंगे, क्योंकि दिस वीडियो इज गोना चेंज दिस गारंटी. सो ये सब स्टार्ट हुआ 3 महीने पहले, जब मैं बियर्ड उगाना चाहता था पर मेरी बियर्ड उग नहीं रही थी. आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, मैं 22 साल का हो चुका हूँ और मुझे बियर्ड नहीं आती थी. मतलब आती थी, थोड़ी थोड़ी सी आती थी, हल्की हल्की इधर इधर, हल्की हल्की इधर इधर, तो फुल बियर्ड नहीं आती थी. मतलब फुल क्या, कुछ बियर्ड ही नहीं आती थी, हल्की सी इधर आती थी, हल्की सी इधर आती थी. तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे मेरा हाथ लगा सबसे पहले बियर्ड ऑयल. तो मैंने बियर्डो का बियर्ड ऑयल यूज़ किया एंड उससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले गाइस. मैंने अमेज़ॉन में जाके सर्च किया, तो मैंने रिव्यूज़ पढ़े, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हाँ भाई, इससे बियर्ड उग जाती है, होता है ऐसा, कुछ जादुई ऑयल है. तो सोचा कि मैं भी एक ट्राई देके देखता हूँ, बट इट डिडेंट वर्क. मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं दिखा, बस मेरा चेहरा ऑयली होने लग गया था, मुझे पिंपल्स आने लग गए थे. एंड और मुझे कभी पिंपल आया नहीं था एक्चुअली लाइफ में. मे बी बियर्ड ऑयल लगाने की वजह से मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता था. जहाँ पे मुझे बियर्ड होते भी नहीं थे, वहाँ पे भी मैं लगाते रहता था. कम से कम 1 महीने तक कंटिन्यू किया, उसके बाद मैंने इस ऑयल को सर पे लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे लगाने से इससे कुछ असर हो तो नहीं रहा है. तो मैंने फिर से रिसर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट था गाइस, मुझे बियर्ड चाहिए थी. ओके, मेरे सारे दोस्तों को बियर्ड आती है बट मुझे नहीं आ रही थी. सो मैं बहुत डेस्परेट हो गया था, तो मैंने फिर से ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया. मैंने गूगल पे देखा, मैंने यूट्यूब में सर्च किया, एंड देन आई फाउंड ए प्रोडक्ट जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने जर्नीज डाले हुए थे कि 1 से 3 महीने तक, 1 से 90 डेज जर्नी की उनका बियर्ड उग गया. तो मैंने देखा एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट यूज़ करते थे और मैंने भी वो प्रोडक्ट ट्राई किया. एंड आप देख सकते हो कि मुझे अभी भी उतनी अच्छी दाढ़ी नहीं आती है, बट ठीक ठाक आती है कि मैं अच्छे से शेप जब दे देता हूँ तो ठीक ठाक बियर्ड आ ही जाती है. और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हेयर कट मैंने कैसे किया जबकि लॉकडाउन चल रहा है पूरी दुनिया में, तो मैंने ये हेयर कट किया कहाँ से, तो गाइज ये मैंने अपने ट्रिमर से किया है. बियर्डो का ट्रिमर है, बियर्डो के ट्रिमर से खुद अपने रूम पर बैठ के किया है. तो अगर आपको हेयर का ट्यूटोरियल भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि घर पे बैठे बैठे अगर आपको अच्छा दिखना है, जंगली नहीं दिखना है, क्योंकि मैं बहुत जंगली हो गया था तो मैंने थोड़ा ये किया. तो नेक्स्ट वीडियो में भी अगर आप लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नाउ मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपने बियर्ड के लिए क्या किया था. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जादुई तेल है या फिर जादुई लिक्विड है जिससे लगाने के बाद मुझे इतनी अच्छी तो नहीं बट ठीक ठाक सी दाढ़ी आने लग गई, जबकि मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी. तो गाइज़ मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया मिनोक्सिडिल. यस गाइज, ये वो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो, मिनोक्सिडिल 5%. मैं मिनोक्सिडिल 5% यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. मैंने, मुझे किसी ने रेकमेंड नहीं किया, ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं था, मैंने खुद रिसर्च किया था ऑनलाइन और मैं अपने पास के केमिस्ट के शॉप में जाके मैंने खरीद लिया. मैंने सोचा कि एक प्राइस दे के देखते हैं, तो मैंने 5% वाला यूज़ किया. 2.5% वाला भी मिलता है गाइस, बट मैंने सोचा कि मिनोक्सिडिल 5% सभी कोई यूज़ कर रहे थे, मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ देखे तो सभी को यही यूज़ करे, तो मैंने भी यही ट्राई किया. और गाइज अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है गाइज, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा. तो मैं इसको लगाता था दिन को एक बार नहाने के बाद और शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले मैं इसको लगाता था, अप्लाई करता था. अपने हिसाब से कोई क्वांटिटी प्रेस्क्राइब नहीं था कि इतना क्वांटिटी लगाना है, कितना क्वांटिटी, अपने हिसाब से. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा रहता है ये बॉटल मिनोक्सिडिल का, आप देख सकते हो, ऐसा मिनोक्सिडिल का एक बॉटल रहता है और उसके अंदर आपको रहता है कि आपको ये रहता है, ये देखिए, ये आपका, इससे हम लोग एक ड्रॉपलेट से, जो भी बोलते हैं इसको, अच्छा ड्रॉपर, इस ड्रॉपर से हम लोग इसे लगाते हैं, इस ड्रॉपर से निकालते हैं और थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहता था मैं. तो एक बार दिन को लगाता था, सुबह को, और एक बार रात को सोने से पहले. बट इसके डिसएडवांटेजेस की पहले बात कर लेते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं गाइस कि आपका स्किन बहुत ही इची हो जाएगा, आपको खुजली होगी शुरू शुरू में, क्योंकि ये थोड़ा इरिटेट करता है आपके स्किन को, तो आपको इचीनेस फील होगी शुरू शुरू के 1 हफ्ते में. आपको इचीनेस होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इचीनेस नहीं होगी बट हल्की सी इचीनेस आती है, और आपको हल्का सा हेडेक भी हो सकता है. तो आपको हेडेक शुरुआत के 1 हफ्ते तक होने के चांसेस है, उसके बाद आपको हेडेक नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने कोई हेडेक एक्सपीरियंस नहीं किया. हल्का सा इचीनेस एक्सपीरियंस किया था शुरुआती हफ्ते में और हल्का सा हेडेक, और उससे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया. अब चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की. इसका एडवांटेज ये है गाइस कि जब भी आप स्किन पे लगाते हो ना इसको, तो ये ब्लड फ्लो उस एरिया में बहुत ज़्यादा कर देता है,
तो जैसे ही आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लड मिलता है और वो ग्रो करने लगता है वो हेयर। तो उसी तरीके से आप जब स्किन पे लगाते हो तो कहीं भी गाइज, और इसका यही एक प्रॉब्लम भी है कि कहीं भी लगेगा तो हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। लाइक कभी कभी मेरा हाथों में लग जाता था तो मेरा हाथों में भी हल्की सी हेयर ग्रोथ ज़्यादा हुई है आर्म्स में, ठीक है, उस वक्त होती थी। अब धीरे धीरे वो झड़ गए, मतलब वो शेड हो जाता है धीरे धीरे, उसकी कोई टेंशन नहीं रहता है कि आपको पूरा आप भालू बन जाओगे, ऐसा नहीं है। बट इसका ये प्रॉब्लम तो है गाइस कि जहाँ भी ये लगता है लगातार, अगर आप ये कहीं आपके बॉडी पार्ट में, हाथ में या फिर छाती में लग गया तो आपको वहाँ से बाल आने लगते हैं। एक्चुअली में ये पहले यूज़ होता था बाल उगाने के लिए, सर पे लगाने के लिए। अगर आपके बाल झड़ रहे होते हैं तो आप इसको सर पे लगाते हो, बट मैंने इसको ट्राई किया अपने बियर्ड के लिए एंड इट वर्कड आउट गुड फॉर मी एटलीस्ट। सो अगर आपको भी ये ट्राई देना है तो आप ज़रूर जाइए। किसी ने प्रेस्क्राइब नहीं किया था, डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब नहीं किया था, अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप जाके एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस करता ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर के अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये करता ये है कि ब्लड फ्लो हाई कर देता है, तो मे बी आपका हार्ट बीट बहुत स्पीड हार्ट बीट बढ़ सकता है आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तो। अगर आप नहीं हो, जैसे कि मैं नहीं था, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। और गाइस शुरुआत के एक दो हफ्ते तक कोई रिजल्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, जनरली कोई रिजल्ट्स नहीं होते। तो अगर आप ट्राई करो तो डीमोटिवेट होकर छोड़ मत दो कि मुझे एक दो हफ्ते तक कोई रिजल्ट्स नहीं आए। कुछ कुछ लोगों को एक महीने तक नहीं आते हैं, मुझे भी एक महीने तक कोई रिजल्ट्स नहीं आए थे, बट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस था और मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, तो मैं लगाता रहा एक दिन में दो बार करके, हर हफ्ते ये लगाते रहा। एंड एट दी एंड तीसरे महीने तक मुझे अच्छी खासी बियर्ड आने लग गई, अच्छी खासी बियर्ड ग्रोथ हो गई मुझे। एंड आई थिंक अगर आपको भी बियर्ड चाहिए तो आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए, एंड इट विल हेल्प यू एंड इट विल डू मैजिक फॉर यू गाइज। आपको मैजिकली आपको बियर्ड आ जाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। ट्राई कीजिए गाइज इसको। आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरी बियर्ड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक साल तक इसको कंटिन्यू करता रहूँ। आप जैसे कि देख सकते हो अभी भी पैचीनेस है, बट मैं इसको कंटिन्यू करता रह रहा हूँ, और आई होप कि एक साल के बाद ये पैचीनेस भी चला जाए और बहुत ही अच्छी बियर्ड आने लगे मुझे। मैं फिर भी आपको फ्यूचर में अपडेट करूँगा कि मेरी बियर्ड ग्रोथ कितनी हुई है। एंड डू गिव दिस ए ट्राई अगर आपको भी बियर्ड चाहिए, एंड आई होप कि आपको भी बियर्ड आने लगे। और जब आपको बियर्ड आने लगे तो इस वीडियो में वापस आना, इस वीडियो को एक लाइक देना, कमेंट करना, और अगर अभी भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हर दिन ही कुछ ना कुछ वीडियोज़ डालता रहूँ, तो आप कुछ अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज़ है या फिर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप You guys stay safe, stay home and stay